परम अपने इस अध्याय में विश्वविद्यालय के विविध संगठक व संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश अर्थात एडमिशन की एलिजिबिलिटी या योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर पूर्ण जानकारी व बीए के अंदर एडमिशन लेने के लिए किन विषयों का चयन किया जाए उनकी विषयवार जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा है। प्रवेश की योग्यता अर्थात एलिजिबिलिटी विश्वविद्यालय एवं उसके संगठक महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, जिसके अंतर्गत मेरिट का आधार बीपीएल, रूरल और आरक्षित नियमों के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनके आधार पर योग्य रहे या मेरिट सूची में आए विद्यार्थियों को सेमेस्टर प्रणाली में प्रवेश दिया जाता है। वहीं महाविद्यालयों में यूजी एवं पीजी पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिए समय समय पर सूचियां जारी की जाती है, जिनमें निर्धारित समय पर जो सूचियां जारी की जाती है उनके आधार पर निश्चित सीटों पर उन्हें प्रवेश दे दिया जाता है। संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं के लिए एक विकल्प शेष रहता है और वह है महाविद्यालय जो कि निजी या प्राइवेट है। प्राइवेट महाविद्यालयों में पास मार्क्स के आधार पर प्रवेश दे दिया जाता है, लेकिन इन महाविद्यालयों की फीस उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह परम के अन्य वीडियो सही महाविद्यालय का चयन कैसे करें इस आधार पर उसमें दिए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश लें, ताकि उन्हें आगे पछताना ना पड़े और वो अपनी उच्च शिक्षा को बिना किसी रोक टोक बिना किसी भय के पूर्ण कर सके। इसके अलावा छात्रों को चाहिए कि वह समय समय पर हमारे इन परम के वीडियोज को देखकर जानकारी प्राप्त करता रहे। महाविद्यालय में उसे विभिन्न तरह के स्नातक अर्थात यूजी कोर्सेज के में से एक का चयन करना होता है। उनमें बीए एक प्रमुख है, जो न केवल अधिक पढ़ा और पढ़ाया जाने वाला विषय है बल्कि एक रोजगार परक विषय भी है। जैसा कि कॉलेज शिक्षा का पाठ्यक्रम स्कूली शिक्षा के पूर्णतया भिन्न और विस्तार लिए होता है, कॉलेज शिक्षा में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थी की पहली चिंता या जिज्ञासा उसके लिए यह होती है वह कौन से विषय का चयन करे जो कि उसे भविष्य की दिशा को तय कर सके या उसे आगे का भविष्य या उसके कैरियर को निर्धारित कर सके। तो दोस्तों, परम के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो कि उसके द्वारा लिए जा सकते हैं, वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है जिनका वो चयन कर अपने भविष्य को सफल बना सकता है। जैसा कि विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों में एक विषयों की सूची दी गई होती है, जिनमें से दो तरह के मूल पाठ्यक्रम होते हैं बीए प्रथम वर्ष में, और वो है आपका पास कोर्स और दूसरा हो गया आपका पास कोर्स होता है। उसके अंदर विद्यार्थियों को अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों विषय पढ़ने होते हैं। अनिवार्य विषयों में हम बात करेंगे प्रथम वर्ष के अनिवार्य विषयों में, जैसे जनरल हिंदी हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, एलिमेंट्री कंप्यूटर हो गया और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो गया। इन आधार ये तो बच्चों के लिए वो विषय हैं जो इन्हें अनिवार्य रूप से पढ़ने ही हैं, इनमें से उनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इनके अलावा बहुत से विषय हैं जो कि विश्वविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है, उनमें से उसे तीन विषयों को अपनी दिए गए कॉम्बिनेशंस के आधार पर चयन करना होता है, जिनके आधार पर वह पढ़कर या जिनकी अध्ययन कर वह अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। इनमें से कुछ विषय जैसे कि आपका कंपलसरी हिंदी इंग्लिश के अलावा आपका हो गया एलिमेंट्री कंप्यूटर के अलावा हो गया एक सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, और आपका ऑप्शनल हिंदी हो गया, ऑप्शनल इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। इनके अलावा कम से कम 30 विषय ऐसे हैं जो कि वैकल्पिक विषयों की श्रेणी में आते हैं, और उसमें से उन्हें तीन विषयों का चयन कर उसी की गहन अध्ययन करना होता है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के में स्टूडेंट है वो उसे डिस्क्रिप्शन में देख सकता है और उस पर दिए गए यूआरएल पर लिंक कर वह सिलेबस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं
बीए द्वितीय वर्ष की, जिसमें छात्र थोड़ा उसे थोड़ा सा गहन या गहन होना पड़ता है या उसके मस्तिष्क को ब्रॉड करना पड़ता है, क्योंकि जो उसने विषय प्रथम वर्ष में पढ़े वो अब कुछ विस्तार लिए होते हैं। लेकिन एक जो आसानी की बात है वो ये है, यदि उसने अनिवार्य विषय पास कर लिए हैं तो ये समस्या उसके दिमाग से हट जाती है कि मुझे अनिवार्य विषय भी पास करने होंगे। अनिवार्य विषय की जो एक बदली होती है वो, या वो जो चार दीवारी होती है उससे वो बाहर निकल चुका होता है, लेकिन उसे जो तो उसके तीन विषय हैं वैकल्पिक विषय वो रहते वही हैं लेकिन वो विस्तार लिए होते हैं, तो उन सब का उसे विस्तार पूर्वक अध्ययन करना होता है। और इसका भी विस्तार से वह अध्ययन कि कौन कौन से विषय में कौन कौन से सिलेबस होगा, कौन कौन सी यूनिट होगी, इसका विस्तार से हमने डिस्क्रिप्शन स्थान में दे रखा है, जिस पर क्लिक कर वो पूरा जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब आता है उसकी कॉलेज शिक्षा का प्रमुख पड़ाव जो उसके भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है, और वह है बीए का अंतिम वर्ष। यह अंतिम वर्ष विषयों की विस्तार और गहनता को लिए होता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह कॉलेज मस्ती से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने भविष्य के प्रति थोड़ा सोचते हुए, लेकिन भयमुक्त वातावरण में। दोस्तों ध्यान दीजिए, भयमुक्त वातावरण में काम किया गया हर कोई काम, भयमुक्त वातावरण में किया गया हर कोई कार्य सफलता की ओर ले जाता है, उसे मंजिल सामने दिखाई देती है। लेकिन भयमुक्त वातावरण, वापिस कह रहा हूं, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, और यह तभी जरूरी है जो महाविद्यालय उसे प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों तृतीय वर्ष में जो भी विषय है उन्हीं के आधार पर उसे अपनी दिशा तय करनी होती है। तो दोस्तों इस चैनल में आपको तृतीय वर्ष के भी वो सभी विषय विस्तार पूर्वक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, जिनको ध्यान में रखकर वह गहन अध्ययन कर अपनी दिशा तय कर सकता है। तो दोस्तों आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह चैनल का यह वीडियो पसंद आएगा, और आपका प्यार स्नेह और सक्रिय सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। बीए के स्नातक करने के बाद आगे क्या, तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और समय समय पर ज्ञानवर्धक और जानकारी वर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों समय की पाबंदी है और ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप अगले वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब शेयर और लाइक प्रम क्लासेस के लिए प्रेरणादायी शक्ति का काम करता है। दोस्तों उस शिक्षा के पथगामी युवाओं को एक बार फिर एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि वे स्वयं उस शिक्षा के पथ पर ज्योति चरण लेकर उतरे और समाज को आलोकित करते हुए उसे एक नई दिशा प्रदान करें, जिसकी की राष्ट्र को उसे आशा है। इसी आशा के साथ परम टीम की ओर से आपको धन्यवाद और सादर नमस्कार। मिलते हैं शीघ्र ही इसी चैनल परम क्लासेज पर नई जानकारियों और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए परम क्लासेज के अन्य वीडियो जो आपके भविष्य को दिशा देने में सहयोगी सिद्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओके, तो बंद ओ तो कट।